अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी दीपक को सही तरीके से यदि आप लगाते हैं तो मां भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं, अति प्रसन्न होती हैं। जीवन में चारों ओर उजाला, सकारात्मकता, धन, वैभव, मान सम्मान और ख्याति प्राप्त होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया पर लगाने वाले दीपदान के बारे में। जो 13 दीपदान लगाए जाते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, उनका नियम क्या है, किस विधि विधान के साथ हमें लगाना चाहिए और कहां कहां हमें ये दीपदान करना चाहिए। इसके साथ ही हम जानेंगे अक्षय तृतीया का खास महत्व और इस दिन आपको क्या दान करना चाहिए विशेष तौर पर, जिससे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बनी रहें, बरकत आपके घर में सदैव रहें और एक प्रभावशाली मंत्र जिसका जाप आपको इस दिन तो निश्चित रूप से करना चाहिए, मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में वास होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हम सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो दीपदान सही तरीके से होना, सही विधि के साथ होना बहुत जरूरी है। अक्षय तृतीया पर यदि आप दीपदान करते हैं तो आपकी गरीबी, दरिद्रता, बीमारी या फिर मानसिक अशांति हुई, ऊपरी बाधा, ये सभी चीज़ें शांत होती हैं। देवी देवताओं के निमित्त इस दीपदान के अनेकानेक फायदे हैं। आज के दिन सबसे पहले हम जानते हैं माँ लक्ष्मी के लिए दीपदान हमें किस तरीके से करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक चौका तैयार कर लेंगे। तो चौका तैयार करने के लिए आप कुमकुम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रोली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल घरों में टाइल्स होता है तो चौका लगाने में दिक्कत होता है, तो मैंने जो है ये इस तरह से रोली को तैयार किया है गीला करके और फिर हम उसका एक चौका तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें बना लेना है। चौका जब थोड़ा सा सूख जाए तब हम उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल महालक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए अष्टदल कमल का बहुत महत्व होता है इस पूजा में। आप चाहें तो हल्दी से बना सकते हैं या फिर अष्टगंध का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। माता लक्ष्मी को दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और यदि आप चाहें तो चावल से भी बना सकती हैं, लेकिन हल्दी का यदि आप बनाते हैं या फिर चावल का वो ज़्यादा शुभ होता है। अब बीच में हम थोड़ा सा डालेंगे अक्षत। आप अक्षत डालते समय ध्यान रखें कि चावल के ये दाने टूटे हुए या फिर खंडित अवस्था में ना हो। इसके लिए चावल के दानों को आप पहले से ही साफ करके बीन करके रख लें। अब हम लेंगे एक साबुत पान का पत्ता जो बिल्कुल ही स्वस्थ होना चाहिए, हरे भरे होने चाहिए, कहीं से भी सूखे हुए नहीं होना चाहिए। अब हम पीले चंदन से इसमें श्रीम लिखेंगे जो कि महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। यदि आपसे संभव हो सके तो दीप दान करते समय महालक्ष्मी के बीज मंत्र का या फिर महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते रहें, ये बहुत ही अच्छा होता है। अब पान के पत्ते को इस तरह से लगाएंगे जिस तरह से हमने लगाया है। पान के जो पत्ते का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और अब श्रीम जो हमने लिखा है उसके दोनों ही तरफ हमने ये दो लकीरें इस तरह से बनानी है। आप चाहें तो ये श्रीम जो है ये हल्दी से बना सकती हैं। अष्टगंध का इस्तेमाल इसलिए किया है मैंने क्योंकि इसमें खुशबू होती है और माँ लक्ष्मी को खुशबूदार चीज़ें अति प्रसन्न होती हैं। इस तरह से हमने चौका तैयार कर लिया है। अब हम दीपक लगाने का भी साथ में तरीका देख लेते हैं। इस दिन 13 दीपदान का खास महत्व होता है, तो मैंने 13 दीपक को तैयार किया है और ये सबसे बड़ा दीपक हमने जो है माँ लक्ष्मी के लिए तैयार किया है। आप जब भी माँ लक्ष्मी के लिए या फिर किसी भी देवी माँ के लिए दीपक लगाएं तो याद रखें ये जो बाती बनाएंगे ये हम लंबी वाली बनाएंगे, गोल वाली बाती का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जो होती है या फिर कोई भी देवी माँ जो होती है वो वंश से वृद्धि कराती है, तो इसलिए हमें बाती का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दीपक को हमने 2-4-5 घंटे पहले ही पानी में भिगोकर अच्छी तरह से रख लिया था। इसके लिए जैसी सामर्थ्य हो आपकी वैसे आप दीपक ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक वैसे हर तरह से उत्तम होता है तो मैंने मिट्टी का दीपक ही इस्तेमाल किया है और इसमें जो है तिल के तेल का मैंने इस्तेमाल किया है। आप यदि चाहते हो तो घी का दीपक भी लगा सकते हैं। महालक्ष्मी को घी का दीपक अवश्य लगाया भी जाता है, लेकिन यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो आप उसके लिए तिल के तेल का दीपक लगाएं। अब हम सबसे पहले दीपक की पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो दीपक में हम अष्टगंध का, हल्दी का और कुमकुम का इस तरह से तिलक लगा लेंगे। तिलक लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा शक्कर सभी में जरूर डालेंगे। इस दिन शक्कर डालना बहुत ज़रूरी होता है तो शक्कर जरूर डालें और यदि आप चाहें तो अक्षत यानी कि चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े थोड़े से हम सभी में फूल डाल देंगे।
इस तरह से हमें दीपक का विधि पूर्वक पूजन कर लेना है और ये सारी प्रक्रिया हमें दिन में ही करके रख लेनी है ताकि गोधूलि वेला में यानी कि जब प्रदोष काल का समय हो, शाम का समय हो, उस समय आप दीपक को प्रज्वलित कर सकें। सबसे पहला दीपक हमें अपने घर के मंदिर में लगाना है, तो मंदिर में लगाने से पहले इसमें डालेंगे 2 लौंग और 1 कपूर। ये बहुत ही शुभ होता है, इससे आपकी कोई भी मनोकामना होती है वो भी बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो माँ लक्ष्मी के सामने आप शाम के समय गोधूलि वेला के समय सबसे पहला दीपक लगाएं। और अब इसके बाद हम जानते हैं जो बाकी 12 दीपक हैं उन्हें हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। इसके बाद दूसरा दीपक हमें घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए क्योंकि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, इसलिए आप मुख्य द्वार को सबसे पहले अच्छी तरह से साफ कर लें और उसके बाद वहाँ पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। उस पर आप एक कलश स्थापित करें, धातु की, मिट्टी की, किसी भी चीज़ की जो भी आपकी सहूलियत हो, और उस कलश के ऊपर एक पॉट रखें, किसी भी चीज़ का पॉट ले सकते हैं, उसमें आप चावल अक्षत को डालें और उसके ऊपर इस दीपक को आपको लगाना है। इस तरह से मुख्य द्वार पर जो दीपक आप लगाते हैं वो पूर्ण होता है और इससे माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। तीसरा दीपक आपको लगाना है तुलसी जी के पौधे के पास, जो आपके घर में तुलसी जी का पौधा आपने लगाया है वहाँ पर लगाएँ, ये बहुत ही शुभ होता है। चौथा दीपक आपको घर के रसोई घर में आपको लगाना है जहाँ पर आप भोजन बनाते हो। पांचवा दीपक ही आपको लगाना है जहाँ पर आप कचरा रखते हो ताकि किसी भी तरह की गंदगी और लक्ष्मी का वास ना हो। छठा दीपक आपको लगाना है किसी भी देवालय में, आपके घर के नज़दीक जो भी देवालय है उसे प्रकाशित करें, ये बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। सातवां दीपक किसी भी गौशाला में लगाएं और आठवां दीपक गंगा जी के नाम से आप लगाएं। यदि आपके आसपास घर में घर के आसपास गंगा जी हो तो वहां पर आप लगा दें गंगा माँ के नाम से, और यदि नहीं है तो घर में गंगा दीपदान कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है तो आप उसे देख सकते हैं। नौवां दीपक सभी वृक्ष के नीचे, दसवां दीपदान आपको बेल पत्र वृक्ष के नीचे, 11वां आपको केले के वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए और 12वां दीपक आपको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए। आप सभी जानते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं। और 13वां जो सबसे लास्ट दीपदान है वो आंवला पेड़ के नीचे लगाएं क्योंकि इस पर भगवान विष्णु का वास होता है, तो मैया लक्ष्मी तो वहीं होती हैं जहाँ भगवान विष्णु होते हैं, इसलिए यदि आप इन दीप दानों को करते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि, वैभव, इन सभी चीज़ों का वास होता है, माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और इस दिन दीप दान के बाद आपको याद रखें अन्न का दान जरूर करें, कहते भी हैं सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो अन्न का दान है। वैसे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, विद्या का दान कर सकते हैं, जो भी आप चाहें दान कर सकते हैं, लेकिन अन्न का दान सबसे बड़ा दान है, तो अन्न का दान इस दिन अवश्य करें। अब हम जानते हैं अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले एक सबसे प्रभावशाली मंत्र का जाप, जिसे आपको जरूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी चौविद महे विष्णु पत्नये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दोस्तों यदि आप इस विधि विधान के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में समृद्धि का सदैव के लिए वास होगा। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना बिल्कुल ना भूलें।